आयत में शान रमजान 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 शान रमजान शान रमजान अल्लाह ने फरमाया रोजों का महीना है, दिन में तो नमाज़ें हैं रातों को शबीना है, दिन रात की इबादत है। शान रमजान शान रमजान 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 शान रमजान शान रमजान शान रमजान शान रमजान 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 शान रमजान शान रमजान है फर्ज मुसलमानों रमजान के ये रोजे दरवाजे अल्लाह की रहमत के आज मोहतरम जनाब जी एस रहमत साहब साबिक मेयर वो सीनियर लीडर जनता दल सेकुलर ने मुसलमानों के लिए और अपने भाइयों के लिए इफ्तार और ताम का यहाँ एहतमाम किया था और मुख्तलिफ शोबे हयात से मुख्तलिफ इलाक़ों से लोगों ने आकर यहाँ शिरकत की और अपने वालेहाना मोहब्बत का सबूत देते हुए जी एस रहमत साहब के भरपूर उन्होंने उनकी खिदमत की सताइश भी की। मैं इस मौके पर जनाब जी एस रहमत साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप एक शहर गुलबर्गा में एक नाम और शख्सियत हैं और काफ़ी तजुर्बेकार शख्सियत भी हैं। अल्लाह ताला उनसे मज़ीद काम ले और हमारे आपस में जो इख्तलाफात हैं, हम में जो नाइतफाक़ियाँ पैदा हो गई हैं, अल्लाह उनसे भी पूरे शहर में काम ले और हम सबको इत्तेहाद में रहकर अपनी क़ियादत का सबूत देने का हम वो मौका दें। गुलबर्गा के तमाम मुसलमानों को और कर्नाटक और इस मुल्क के तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक, रमज़ान का दूसरा अशरा मुबारक। और यहाँ इस मेरी इस इफ्तार पार्टी में आए हुए तमाम दोस्तों साथियों, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मेरे यहाँ हर मज़हब मिल्लत के लोग मेरी इस इफ्तार में आते हैं। बिला मज़हब मिल्लत हर पार्टी के लोग, हिंदू मुसलमान सभी लोग आते हैं। ये उनका प्यार है मेरे साथ, अब आते रहेंगे। आलम इस्लाम के सभी मुसलमानों को, खवातीन हजरात को मेरा सलाम। रमज़ान की रहमतें, बरकतें और रौनकें सबको नसीब हों। ये रमज़ान के 30 रोज़े 31 सीढ़ियाँ हैं अल्लाह के करीब पहुँचने की। अगर कोई 30 रोज़े मुकम्मल कर लेता है तो 30 सीढ़ियाँ मुकम्मल करके अल्लाह के करीब पहुँचता है। इसी तरीके से मैं दुआ करता हूँ जो भी रोज़दार रोज़े है उनके जो रोज़े पूरे जो है मुकम्मल हों और उनके घरों में बरकत और रहमत हो। आज अली जनाब जी एस रहमत साहब अपने रिहाइश गाह पर इफ्तार पार्टी करके बिला तफरीक व मिल्लत सबको बुलाए और हर सियासत जमात के लोग वो भी जो शामिल हुए, एक अच्छा माहौल यहाँ पर पैदा हुआ। और जो हम चाहते हैं कि जी एस रहमत साहब की इस इफ्तार पार्टी से उनके घरों में और हर तरह से उनको रहमत और बरकत मिले। ताजदारे हरम